तो अभी देख सकते हैं कि सामने देखिए वहाँ पर कितने सारे कपड़े जो हैं धुला जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। और इस वक्त हम हैं बीजापार, गिरमा से आगे आएंगे तो आपको बीजापार एक गांव का नाम है। तो अभी हम लोग यहां पर हैं और ये जो है मेरे लेफ्ट साइड में नदी है और राइट साइड में शिव जी का मूर्ति है, काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम इस लोकेशन और इस जगह को हम आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग को दिखा रहे हैं। आई थिंक आप लोग को भी देख करके अच्छा लगेगा, तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज अब आपको कुछ यहाँ की कुछ खास खास चीज़ें हैं जो आज आपको, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और आगे हम लोग जो भी कंटेंट हम बनाने वाले हैं वो भी आपको दिखाते ही रहेंगे। बस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी देख सकते हैं कि सामने देखिए वहाँ पर कितने सारे कपड़े जो हैं धुला जा रहा है, और सभी लगभग 4-5 लोग हैं कपड़े को धुल रहे हैं। और ये जो पूरा कपड़ा जो है सिसवा से जितने भी जो भी लोग कपड़ा धुलते हैं धोबी घाट पे धुलवाने के लिए देते हैं, तो धोबी लोग जो धोते हैं ना, वही लोग यहाँ पर आकर के सिसवा का ये सारी जो क्लोथ से कपड़े जो है ला करके धुला जा रहा है दोस्तों। और इस साइड देख सकते हैं कितना बड़ा शिव जी का मूर्ति जो देख सकते हैं कितना बड़ा है। इतना बड़ा मूर्ति तो आए बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि 8 मार्च को ही आपका महाशिवरात्रि का पर्व है, उस दिन जल वगैरह सब लोग चढ़ाते हैं। तो इस बार देखते हैं कि पिछली बार तो हम गए थे महाशिवरात्रि के दिन इटहिया का मंदिर और भौरहवा बाबा का मंदिर, सोच रहे हैं इस बार जाएं, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के दिन भौरहवा बाबा जो गुगली से और बंदी ढाला जो है उससे आगे लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है और लोहे पार गाँव के बीच में ही है दोस्तों। अभी वहाँ पर हम नहीं गए हैं महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन सोच रहे हैं इस बार हम वहीं पर विजिट करें और आपको दिखाएं वहाँ का लोकेशन और वहाँ का माहौल जो है महाशिवरात्रि के दिन किस तरह रहता है और लोगों में किस तरह की क्यूरियोसिटी और जो भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव होती है, कितना खूबसूरत लगता है शिवरात्रि के दिन, कैसा माहौल बनता है, वो सब मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको दिखाऊँ। तो यही सब यहाँ का माहौल है दोस्तों। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं मैं ही सिर्फ अकेला हूँ और कोई नहीं है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बस यही सब चीज़ें हैं, आए थे हम किसी काम से तो वो काम तो हो ही रहा है, सोचा हूँ आप लोगों को क्यों ना इस जगह का आपको पूरा वीडियो से बनाकर दिखा दूँ, आपको इस ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो यही सब यहाँ का लोकेशन है, आई होप देख करके आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट कंटेंट पर, तब तक के लिए बाय।